अगर आप भी अश्विन, रोहित शर्मा और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे दिन के खेल में अश्विन ने चलते जाते एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया ना कि देखकर रोहित शर्मा तो क्या पूरी भारतीय क्रिकेट टीम हंस पड़ी। दोस्तों, अश्विन ने एक ऐसा छक्का लगाया वो भी धोनी के स्टाइल में, जिसे देखकर ना आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अश्विन की बल्लेबाजी और इस अद्भुत छक्के का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में सबसे बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में अब एक घमासान मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय क्रिकेट टीम का एक स्ट्रॉन्ग हैंड इस मैच में था। देखिए, यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक से हम 396 तक पहुंचे, फिर बुमराह के 6 विकेट से हमने इस इंग्लैंड की टीम को 300 से पहले ही रोक दिया था। अच्छी खासी बढ़त हमारे पास थी, बस अब और ज्यादा रन चाहिए थे एक बड़ा सा टारगेट देने के लिए। और दोस्तों, बड़े से रन निकले भी एक बड़े खिलाड़ी की पारी में से। शुभमन गिल जो फ्लॉप चल रहे थे वो 104 रन बनाकर गए। उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी 29 रन बनाए और अक्षर पटेल भी 45 का कॉन्ट्रीब्यूशन करके गए। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन रहा रविचंद्रन अश्विन का, क्योंकि एक गेंदबाज आकर अगर मैदान में बल्लेबाजी करे और एक एक रन भी बनाए ना, उस वक्त पर वो एक एक रन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों, एक रन से ही मैच की हार और जीत तय हो जाती है, और पिछला मैच में बहुत कम मार्जिन से हारे थे। खैर, आपको बताएं दोस्तों कि रविचंद्र अश्विन ने कोई नॉर्मल बल्लेबाजी नहीं करी, उन्होंने टेस्ट को वनडे नहीं बल्कि T20 ही बना डाला सीधा। चौके और छक्कों की ऐसी बारिश करी रविचंद्र अश्विन ने कि सबको लग रहा था कि भाई ये तो बल्लेबाजी के लिए ही बने हैं। और इस बीच में एक ऐसा वाक्य भी होता है ना, जब रविचंद्र अश्विन एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं कि देखकर रोहित भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दरअसल दोस्तों, रेहान अहमद नाम के गेंदबाज ना अश्विन के फेवरेट बन गए थे, चौके और छक्के इन्हीं को पड़ रहे थे सारे। और दोस्तों, फिर आता है पारी का 77वां ओवर। दोस्तों, 77वें ओवर की चौथी गेंद पर ना रेहान अहमद को रविचंद्र अश्विन आगे बढ़कर एक लॉफ्टेड शॉट खेलकर एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं कि गेंद सीधा तीसरे स्टैंड में जाकर गिरती है। दोस्तों, अश्विन का ये गगनचुंबी छक्का देखकर जितने बावले इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी होते हैं उतने ही ज्यादा खुश हो जाते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, और इतने खुश कि रोहित शर्मा तो पेट पकड़कर हंसते हुए नजर आए। क्योंकि दोस्तों, अश्विन केवल मजे लेकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन्हीं मजे में ना भारत का स्कोर 399 गया, यानी कि टारगेट 400 का हो गया। दोस्तों, अश्विन ने अपने इस महत्वपूर्ण पारी में पूरी की पूरी 60 से 61 गेंदें खेली और 29 रन बनाए, 2 चौके, 1 छक्का लगाकर। दोस्तों, अश्विन के छक्के को देखकर हर किसी को बहुत मजा आया। पहले आप इसे 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। तो अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही शुभमन गिल से लड़ पड़े शोएब वसीर और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स, तो कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ही इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच हो गया भयंकर विवाद? आखिर क्यों बदतमीजी पर उतारू हो गए स्टोक्स और बशीर? आखिर कैसे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए शुभमन गिल ने इस गेंदबाज का करियर ही तबाह कर दिया? उनके बीच हुए भयंकर विवाद से लेकर गिल का करारा जवाब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है गिल और यशस्वी में कौन है सबसे बेहतरीन ओपनर खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम और भारतीय फैंस के लिए बेहद यादगार हो चुका है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में भारत के दो युवा सितारों ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। लेकिन दूसरी पारी में जब गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी दरमियान इंग्लिश खिलाड़ियों ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया जिसे देखने के बाद हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल तीसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया था। रोहित, यशस्वी से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। ऐसा लगा कि इंग्लैंड मुकाबले में वापसी कर जाएगी, लेकिन सलाम है शुभमन गिल को, उनका हौसला बुलंद था और उनके मजबूत इरादों के सामने खुद इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह भारत को संभाले रखा। पहले तूफानी अर्धशतक लगाया, वह भी केवल 61 गेंद पर, और इस दौरान उन्होंने 38 रन केवल चौके छक्कों से ही बटोर लिए। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, ये तो उन्होंने बचपन से कभी नहीं सीखा। उन्होंने इंग्लैंड के विकेट चटकाने के हर एक प्लान पर पानी फेरते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ वह चौके छक्कों की झड़ी लगा रहे थे और ये इंग्लिश टीम को कहां बर्दाश्त था। लेकिन वह कर भी क्या पाए, उनका कोई भी खिलाड़ी विकेट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाया। ठीक उसी वक्त पारी के 50वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शोएब वसीर ने पहले 2 गेंद पर गिल को बीट कर दिया। इसके बाद गिल का खिलाड़ी का गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने गिल को आंख दिखाते हुए चैलेंज तक दे डाला कि गिल उनकी गेंद पर छक्का मार कर दिखाएं। इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने गिल को कोई अपशब्द भी कह दिया और गिल ने उनकी बात भी सुन ली। आखिर वह भी अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर पाते, उन्होंने भी इस खिलाड़ी को उनकी ही भाषा में चुपचाप गेंदबाजी करने को कह दिया। लेकिन गिल से रिप्लाई पाकर मानो बशीर तो अपने आप ही खो बैठे। यह उनका डेब्यू मैच था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस मुकाबले में टीम इंडिया से दुश्मनी लेने के इरादे से उतरते हैं। दौड़ते हुए वो गिल के पास पहुंच जाते और उनको आंख दिखाते हुए इस खिलाड़ी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गिल ने उन्हें बहुत समझाया कि वह मान जाएं, लेकिन वह तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हद तो तब हो गई जब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स दौड़ते हुए आते हैं और अपने खिलाड़ी को संभालने की जगह उन्होंने गिल पर ही भड़कना शुरू कर दिया। वो दोनों गिल पर
चढ़ने लगे। गिल भी कहां पीछे हटते, गिल ने तो उन्हीं के अंदाज में बदतमीजी की और उन दोनों को जवाब दिया, उनकी बोलती बंद करके रख दी। इन तीनों के बीच मामला काफी गरमाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बीच बचाव में अंपायर को आना पड़ जाएगा क्योंकि विवाद काफी बढ़ गया। हालांकि फिर गिल ने समझदारी दिखाई और बैटिंग करने चले गए, लेकिन अपनी बेइज्जती वे भूलते कभी नहीं। इंग्लैंड जहां सोच रहे थे वहां जीत गए हैं, लेकिन गिल के इरादे तो कुछ और ही थे। बशीर की अगली ही गेंद पर चौका लगाकर गिल ने इस गेंदबाज को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, न केवल टीम इंडिया को मुकाबले में उन्होंने जिंदा रखा बल्कि अब तो बिना समय गवाए इस खिलाड़ी ने बेरहमी से इंग्लिश गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फिर वह क्षण आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, शुभमन गिल ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए आखिरकार 132 गेंदों पर अपने शतक के आंकड़े को पार कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके, 2 खौफनाक छक्के बरसाए और इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को 350 रनों से बड़ी लीड दिला दी। इंग्लिश टीम की इनके सपनों को चकनाचूर करते हुए उनकी हवाइयां तक उड़ा दी, जहां वह भी पछता रहे थे कि उन्होंने क्यों गिल से दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, गिल और जायसवाल में कौन इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बन सकता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जब रोहित शर्मा कर रहे थे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, खूब बन रहे थे रन, तभी इंग्लैंड के शोएब वसीर ने चली चाल रोहित शर्मा को बेईमानी से करवाया आउट और फिर गुस्से में यशस्वी जायसवाल सुमन गिल ने उड़ाए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे। तो दोस्तों, आखिरकार रोहित शर्मा के बाद यशस्वी जायसवाल सुमन गिल की पूरी बल्लेबाजी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला VDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई और रोहित ने टॉस कर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हो रहा था लंच से पहले, लेकिन यहां पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रोहित शर्मा को बेईमानी के चलते यहां इंग्लैंड टीम की आउट होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हुआ ये था कि यहां पर जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए आए, तो दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि पिछली बार जो हमने गलती की आज वो दोहरानी नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिछले ही मैच में रोहित शर्मा भी काफी जल्दी आउट हो गए थे और यशस्वी जायसवाल का साथ नहीं निभा पाए और दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 18 ओवर तक बल्लेबाजी कर भी ली। लेकिन यहां पर जब 18वां ओवर करवाने के लिए शोएब वसीर उतरे, तो दोस्तों यहां पर शोएब वसीर ने रोहित शर्मा को बाहर जाती हुई गेंद डाली और रोहित शर्मा ने उस गेंद पर बॉल को लेग स्टंप लाइन की तरफ खेल दिया। हालांकि दोस्तों, वहीं खड़े ओली पॉप ने रोहित शर्मा का शानदार कैच लिया। हालांकि दोस्तों, यहां पर लेग स्लिप में ओली पॉप को जिस तरह से लगाया वह इंग्लैंड की टीम की साफ समझी हुई साजिश लग रही थी और जिसके चलते रोहित शर्मा के रूप में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा और रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं दोस्तों, यहां पर आप सभी देख सकते हो कि जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा तब टीम इंडिया का स्कोर मात्र 40 रन पर ही था और वहां से टीम इंडिया पर काफी दबाव बनता चला जा रहा था। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे सुमन गिल, जहां सुमन गिल ने आज वही प्रदर्शन अपनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल पिछले काफी लंबे समय से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रन नहीं बना पा रहे थे और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ने मिलकर अच्छी खासी सोची समझी साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को यहाँ 100 रन के पार पहुंचाया। इस बीच लंच तक भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल अपने 50 रन के करीब पहुंच चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुमन गिल का भी बल्ला चलता हुआ दिख रहा है। और अब आप सभी क्या मानते हो भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी के बारे में और आप रोहित शर्मा के आउट होने पर क्या कहना चाहोगे, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।